हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को बीते दिनों उनके फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके बाद उनके फैंस परेशान हो गए थे। हालांकि अब अमिताभ बच्चन ने अपने हेल्थ अपडेट शेयर किए हैं और बताया कि वो काम पर फिर से वापस लौट आए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में अपने हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। अमिताभ बच्चन ने बताया कि पसली में चोट लगने के बाद इलाज कर रहे हैं और वो पूरी तरह से अब ठीक नहीं हुए हैं। उन्होंने फैंस को चिंता के लिए धन्यवाद दिया। अमिताभ बच्चन ने ये भी बताया कि वो काम पर वापस लौट आए हैं। बता दें कि हाल ही में बिग बी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सभी की प्रार्थनाओं के धन्यवाद दिया और जल्द ही काम पर वापसी करने की उम्मीद भी जताई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था और उनकी सर्जरी भी हुई थी। वहीं रिकवरी के बाद एक्ट्रेस काम पर लौट आई है। हाल ही में सुष्मिता को मुंबई में एक डबिंग स्टूडियो के बाहर देखा गया। एक्ट्रेस ने इस दौरान पेपराजी के लिए स्माइल के साथ जमकर पोज भी दिए। सुष्मिता सेन फिलहाल अपनी हिट वेब सीरीज आर्य की अपकमिंग सीजन और फिल्म ताली की शूटिंग में बिजी हैं। ताली ट्रांसफॉर्मर गौरी सावंत की बायोपिक है और इसमें सुष्मिता लीड रोल में है। गुरुवार देर रात सुष्मिता को इसी प्रोजेक्ट के लिए एक डबिंग स्टूडियो में स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस ने भी ब्लू टॉप और स्काई ब्लू पैंट पहने हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने खुले वालों और कूल शेड्स के साथ अपने ओवरऑल स्टाइलिश लुक को कम्प्लीट किया। बता दें कि सुष्मिता को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था, फिर उन्हें स्टेंट भी लगाए गए थे। वह ठीक होने के बाद एक्ट्रेस ने इस महीने की शुरुआत में एक फैशन वीक में रैंप वॉक किया था। सुष्मिता येलो कलर के लहंगे में काफी खूबसूरत लग। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस किरण खेर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं अब एक्ट्रेस पूजा भट्ट को भी कोविड-19 की चपेट में आते हुए देखा गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। पूजा भट्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खुद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर ट्वीट में लिखा, और ठीक 3 साल बाद मेरा पहली बार कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है। लोगों मास्क पहनो, कोविड अभी भी बहुत करीब है और फुली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद आपको चपेट में ले सकता है। उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने पैरों पर वापस आऊंगी। पूजा भट्ट की बातें करें तो वो फिल्म मेकर महेश भट्ट की सबसे बड़ी बेटी हैं। उन्होंने 1989 में 17 साल की उम्र में अपने पिता के डायरेक्शन में बनी एक फिल्म टैडी के साथ एक्टिंग की शुरुआत की थी। आमिर खान के साथ पूजा की दिल है कि मानता नहीं बड़ी हिट रही थी। हिंदी सिनेमा के फिल्मी सितारों का जमावड़ा बीती रात इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर 2023 में लगा रहा। इस खास मौके पर बी टाउन के फेवरेट कपल सुपरस्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी मौजूद रहे। इस दौरान दीपिका के पिता और पूर्व बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण भी बेटी और दामाद के साथ नजर आए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर दीपवीर का सामने आया है जिसमें दीपिका पति रणवीर को अपने हाथ ना देते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मानव मंगलानी ने गुरुवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रकाश पादुकोण इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के रेड कार्पेट पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान रणवीर अपनी पत्नी दीपिका का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सप्ताह रणवीर को नहीं देती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में दीपिका और रणवीर के इस मोमेंट को देखकर सोशल मीडिया पर एक बज क्रिएट हो गया है कि शायद दीपवीर में आपस में कोई नाराजगी चल रही है। इस मामले को लेकर लोग इस वीडियो पर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। रणवीर और दीपिका पादुकोण के इस लेटेस्ट वीडियो में एक यूजर्स ने कमेंट कर लिखा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इवेंट से पहले इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई है। वहीं दूसरी ओर एक यूजर ने लिखा है कि दीपिका गुस्से में है, उसने हाथ नहीं पकड़ा। इस तरह से कई लोग इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बता दें कि आने वाले समय में रणवीर सिंह फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और दीपिका फिल्म फाइटर में नजर आएंगी। तो ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए आप देखना मत भूलिए बॉलीवुड गपशप।